हेलो नम वेरी वेरी वो वेलकम टू ऑल आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एग्रीगेट डिमांड अब क्या क्या चीज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो इज़ आर सॉरी इट इज़ वॉट इज द मीनिंग ऑफ द एग्रीगेट डिमांड वॉट आर द वेरियस एग्रीगेट डिमांड वॉट इज बेसिकली एन एग्रीगेट डिमांड कर्व वॉट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड एंड द शिफ्ट इन द एग्रीट डिमांड अब सबसे पहले हम लोग बात करते कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है तो एग्रीट डिमांड रेफर्स टू दाइट दिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉट इंटरमीडिएटरी नॉट इनिशियल अगर कॉटन गुड्स है कॉटन का हम लोग ले रहे हैं कॉटन अभी बॉल्स है आप लोग सब उन्हें स्कूल में पढ़ा होगा कॉटन बॉल्स का एक अपना पूरा बिजनेस होता है उसके बाद उसका प्रोसेस जो यान में बनता है जो थ्रेड में बनता है उसका एक अपना प्रोसेस बनता है तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएटरी ही गुड्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल गुड्स वी आर टॉकिंग अबाउट द शर्ट्स विच हैव बीन मेड राइट सो द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकनॉमी सारे सेक्टर्स तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग चार सेक्टर का बात करते हैं एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर का बात करते हैं एक आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर का बात करते हैं फर्म्स का बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का बात करते हैं और एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स जो हो रहा है उसका बात करते हैं राइट right? तो जितने भी टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय दे आर प्लानिंग दे हैव नॉट बॉट इट what are they doing they are planning to buy at what at a given level of income for what one accounting year ek accounting year mein jo sare goods and services jo sare sectors of the economy plan karte hain buy karne ko use hum aggregate demand kehte hain aggregate demand ko hum aggregate expenditure bhi kehte hain क्योंकि ये basically बता रहा है कि सारे sectors of the economy क्या plan कर रहे हैं एक्सपेंस करने के लिए during a given period of time, hence when we talk about macroeconomics, here AD, that is the aggregate demand and aggregate expenditure means the same thing. Aggregate expenditure refers to the planned expenditure, jo plan kiya expenditure and not the actual expenditure. ये वाला चीज ध्यान रखना है. Aggregate demand कर रहे हैं, हम demand कर रहे हैं, हम demand करेंगे तब ना हमारे पास सामान आएगा. तो हम demand कर क्या चीज़ का ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल द सेक्टर्स जो प्लान जो हमें एट गिवन लेवल ऑफ इनकम फॉर वन अकाउंटिंग ईयर राइट सो एग्रीकेट एक्सपेंडी एग्रीकेट डिमांड इज अ टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल द फर्म्स हाउस होल्ड गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर प्लानिंग टू डू ड्यूरिंग the given period of time. It is a flow concept, concept and it is generally measured in one accounting year. Right? So it is they say do not confuse aggregate demand with market demand. Aggregate demand is the total demand for all goods and services in the entire economy Whereas market demand is the total demand for one commodity. जब भी याद रखें जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात करते हैं हम लोग हमेशा एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं जो एक साथ लेके चलने की बात करते हैं वी डू नॉट टॉक अबाउट अ सिंगल डिमांड राइट नाउ द नेक्स्ट एक्सक्यूज मी नेक्स्ट स्लाइड नाउ वॉट आर द वेरियस कॉम्पोन ऑफ द एग्रीगेट डिमांड द फर्स्ट एंड द फोमस कॉम्पोन ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इज अ प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम सी टू से रिप्रेजेंट करते हैं वॉट इज़ प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पन एक्सपेंडिचर इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाई हाउस होल्ड्स हाउस होल्ड्स मीन्स मीन्स यू एंड मी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ पर्टिकुलर अकाउंट ईयर एक अकाउंट ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस हम परचेज करने का सोच रहे हैं हम कितना एक्सपेंस उसमें करेंगे उसे हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं जनरली ये बेसिकली इट इज डायरेक्टली यू नो अफेक्टेड इन्फ्लुएंस बाय द डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है डिस्पोजेबल इनकम होती है कि जब हम काम कर रहे हैं तो बेसिकली जब हमारे पास इनकम आती है तो कुछ टैक्सेस ऑबियसली उसके से डिडक्ट होते हैं जब टैक्सेस डिडक्ट हो जाते हैं तो वट एवर मनी विच वी हैव लेफ्ट विद दैट इज़ द टोटल इनकम माइनस द टैक्सेस इज वॉट द इज द इनकम दैट वी हैव जो मेरे हाथ में है जिसे हम यूज कर सकते हैं एक्सपेंसिस के लिए राइट right? तो हायर जितना डिस्पोजबल इनकम होगा उतना ज़्यादा हम डिमांड करेंगे तो कमिंग बैक टू द पॉइंट प्राइवेट और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल सी इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर विच इज एक्सपेंडिचर विच इज अकर्ड बाई दाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अकाउंटिंग ईयर नाउ द नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन प्लान करते हैं ये सारे जितने भी फर्म्स हैं आपके कंट्री uh, में वो सारे लोग टोटल एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड बाय ऑल द प्राइवेट फॉर्म्स फर्म्स ऑन द कैपिटल गुड्स ठीक है इट इज़ नोन एज द इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर जो भी प्राइवेट फर्म्स हैं जो आपके गुड्स बनाने में जो भी इन्वेस्टमेंट वो लगा रहे हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डन बाय द फर्म्स नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज द वर्स सजेस्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वुड बी डन बाय होम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वुड बी डन बाय द गवर्नमेंट बट ऑन वॉट ऑन द कंज्यूमर गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी ठीक है तो जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंसिस कर, कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स पे या कैपिटल गुड्स पे ताकि जो हमारा कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी उसको मीट कर सके देन इट इज़ नोन एज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइट अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है इट इज़ यूज टू मीट द पब्लिक नीड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर एजुकेशन हेल्थ एक्सेट्रा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के जो है वो uh, आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज रोड्स पावर प्लांट्स इस सब चीज़ में भी आते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट इज़ द

वो जितने आपके एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो दिमा जो आपके एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या जो इम्पोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है तो बेसिकली जब आपका इम, आपका एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स होता है एक्सिस फॉर एक्सपोर्ट्स एम फॉर इम्पोर्ट्स ठीक है जब ये होता है तो इसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं ठीक है थीके? तो इसे हम कहते हैं द नेट एक्सपोज एंड दीज आर द वेरियस कॉम्पोनेट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड नाउ इन जनरल द एग्रीगेट डिमांड इज रिप्रेजेंटेड एज ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम नॉट इज सी प्लस आई प्लस डी प्लस जी एक्स माइनस एम इट्स सिंपल इट इज़ सीज फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जी इज फॉर गवर्नमेंट स्टैंडिंग एंड जी एंड जी एंड इज फॉर द नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स now coming to the next slide now there is a aggregate demand curve let us have a look at the aggregate demand curve aggregate demand curve ye kehta hai ki jis tarike se let us see we can have this all right here we have dekhiye kya hota hai in general economy में ये बोला जाता है कि जब आपका price normal economy में particular product का हम लोग बात नहीं कर रहे नॉर्मल इकोनॉमी में प्राइस जब बढ़ा हुआ रहता है तो उस तो जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है ठीक है जब प्राइस बढ़ा हुआ रहता है इकोनॉमी में किसी भी चीज़ का इन जनरल भी अगर प्राइस बढ़ा हुआ रहता है इकोनॉमी में तो उसकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर प्राइस को आप घटा दें राइट यू रिड्यूस द प्राइस आप प्राइस को घटा दें तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ठीक है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है सो वॉट इज द द प्राइज इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द डिमांड और इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द एनुअल इनकम सॉल जी डी पी ठीक है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व लाइक मोस्ट टिपिकल डिमांड कर्व स्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिमांड डिक्रीजेज द डिमांड डिक्रीजेज और इंक्रीजेज एज द कर्व अलॉन्ग द कर्व द प्राइजेज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज आई दर इंक्रीज और डिक्रीज

तो वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड आर द चेंजेस इन द इन्फ्लेशन रेट तो द कस्टमर्स फील द इन्फ्लेशन रेट वट इज इनफ्लेशन राइज इन द प्राइज डिमांड प्राइजेज सो इट इज द इनफ्लेशन विल इंक्रीज और द प्राइज इंक्रीज टेन टू मेक द परचेज ना विच लीड्स टू राइजिंग कि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है अभी प्राइजेस जो होगा वो बढ़ेगा लोगों को लगता है एक्सपेक्टेशंस है इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है कि अभी तो आगे में जाके प्राइस बढ़ जाएंगे कोई चीज़ ऐसे ही नहीं होता है कि जैसे सोना वगैरह है तो है कि अच्छा तो सोने वगैरह की तो कॉस्ट बढ़ जाएगी हम क्या करते हैं अभी हम ना कुछ खास सामान खरीद के रख लेते हैं या फिर होएगा कि नहीं अभी तो फ़लानी चीज़ का मार्केट में कम आने वाली है तो उसको हम या उसका प्राइस बहुत बढ़ने वाला है उसका प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड तो उतना है नहीं तो हम क्या करते हैं कुछ खरीद के रख लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम उसका उस पर्टिकुलर चीज़ का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है राइट right? तो बेसिकली क्या हुआ एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया ठीक है तो अगर कंट्री में कभी इन्फ्लेशन आने का वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइजेस बढ़ेगा प्राइजेस बढ़ेगा उससे पहले हम कुछ सामान खरीद सक सब, सब खरीद के रख लेते हैं तो क्या कर रहे हैं अगर हम प्राइस सामान सब, सब खरीद के रख ले रहे हैं तो मेरे पास सामान को खरीदने का मेरे पास डिमांड हो रहा है तब भी हम खरीद रहे हैं ना तो दिस चेंजेस इन द इन्फ्लेशन नेक्स्ट इज द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट अब जब इंटरेस्ट रेट इज आर आइदर राइजिंग रजिंग और फॉलोइंग ऑल्सो मेक डिसीजन यू नो डिसीजन मेड बाय द कस्टमर्स इन द बिजनेसिस जब लो रिस्क इंटरेस्ट रेट होता है तो क्या होता है बोरोइंग करने में आसानी होती है ठीक है मान लीजिए अगर um, सपोज uh, uh, अगर मान लीजिए मोटरबाइक है राइट अब क्या है कि इंटरेस्ट रेट बैंक ने मोटरबाइक पर टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट रखा है तो दोज़ पीपल हु आर ईवर गुड इनफ टू अफोर्ड टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट वेल एंड गुड वो लोग जाते हैं लेते हैं बाई करते हैं परचेज करते हैं दे आर हैप्पी डन लेकिन मान लीजिए वही टेन परसेंट जो इंटरेस्ट रेट है अभी हो गया ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट रेट जब ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट नहीं हुएगा तो होगा कि यार दाम तो अभी तो रेट बहुत बढ़ा हुआ है हम लोग वेट करते हैं जब रेट घट घटेगा तब लेंगे बिकॉज द रेट वेंट अप नो डिमांड वेंट डाउन वही अगर टेन परसेंट है और रेट घट के अगर आठ परसेंट पर किसी रीज़न से आ जाता है तो ये रेट कौन डिसाइड करता है ये तो बैंक्स डिसाइड करते हैं तो रेट अगर आठ परसेंट पर आ जाता है तो बोलते हैं अच्छा हम तो लोन लेके कर सकते हैं एंड वो जो मोटर बाइक का जो है डिमांड इन जनरल बढ़ जाएगा तो जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड घट रहा है अनदर थिंग विच अफेक्ट्स द एग्रीगेट डिमांड इज द इनकम वेल्थ इनकम एंड वेल्थ तो क्या है कि इफ़ यू हैव वेल्थी इनफ इफ़ यू आर हैव अ गुड लिविंग स्टाइल तो यू नॉर्मली हैव मतलब आपका बढ़ रहा है तो आप अपना एग्रीगेट डिमांड भी आपका बना रहेगा कन्वर्सली अगर डिक्लाइन इन वेल्थ होता है हमारी संपत्ति किसी कारण से कम होती है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी कम होता है ठीक है सो दिस इज इट द इनकम जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा मेरे पास तो मेरे पास रहेगा कि हम और सब इसको और अपना डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास अवेलेबल है हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाए सेविंग्स देखें ये सब और उल्टा होगा वेल्थ सेम इट्स इज द सेम द सेम थिंग नेक्स्ट इज द करेंसी एक्सचेंज इफ़ द वैल्यू ऑफ़ द यू एस डॉलर फॉल्स फॉरन गुड्स विल बिकम मोर ठीक है मोर एक्सपेंसिव कि जैसे अब हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक यू एस डॉलर का कितना रुपीज़ होता है तो जो फॉरन के गुड्स हैं कोई चीज़ का अगर मान लीजिए फाइव हंड्रेड डॉलर दाम है अगर हमारा रुपया का जो वैल्यू है वो फॉल कर जा रहा है तो अगर जो वो फाइव हंड्रेड डॉलर्स का जो है तो मान लीजिए पहले वो साठ हज़ार में मिल रहा है अब रुपया का वैल्यू गिर जाता है तो वन वन डॉलर इज इज बिल सपोज वन डॉलर इज समी रुपीज और समथिंग तो अभी वही अगर बढ़ गया तो फिर हमारा वापस सत्तर पचहत्तर हज़ार पहुँचाएगा तो जितना जितना एक्सचेंज रेट वाला जी होता है कि जितना जितना आपका यू नो यू नो इफ द यू एस डॉलर बिल्स आर बिकम लेस एक्सपेंसिव इफ द यू एस डॉलर बिल्स राइजेस बढ़ जा रहा है तो इट बिकम लेस एक्सपेंसिव गुड मैन्युफैक्चर इन दू एस विल बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर मार्केट एग्रीगेट डिमांड विल दियर फॉर डिक्रीज

तो इट वी ग्रोइंग ड्यू टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इनफ्लेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स लोअर टैक्सेस ना प्लीज़ लुक एट दिस दिस वॉज वन फ्राम वन ऑफ द साइड लुक एट दिस केयरफुली जो फर्स्ट वाला जो हमारा है वो हमारा एक नॉर्मल ए डी कव रिप्रजेंट कर रहा है जहाँ पर हम बता रहे थे जैसे हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो प्राइज लेवल जिस जिस तरह से बढ़ता है एग्रीग्रेड डिमांड घटता चला जाता है अब आप बीच वाला देखें इफ़ यू रिमेंबर हम लोग का था इफ़ यू रिमेंबर हमारा जो ये था सॉरी हमारा जो नेशनल इनकम था वाई इट इज़ वट इट इज़ बेसिकली योर कंजम्पन एक्सपेंडिचर प्लस योर इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर प्लस योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स राइट अब देखिए मेरा जो एग्रीकेट डिमांड क्या चीज़ से बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा तो मेरा एग्रीकेट वाई बढ़ेगा मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो भी मेरा वाई बढ़ेगा मेरे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो भी मेरा वाई बढ़ेगा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो भी मेरा वाई बढ़ेगा लेकिन अगर इम्पोर्ट्स बढ़ेगा तो मेरा वाई घटेगा तो क्या है कि अगर क्या क्या अगर आपका जो डिमांड क्रव है वो इनवर्ट शिफ्ट कर रहा है ओके सॉरी ओके इनका इन्वर्स शिफ्ट कर रहा है अगर इन्वर्स शिफ्ट कर रहा है मतलब वाई आपका घट रहा है वाई घटेगा क्या क्या चीज़ को कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट्स ये सारा चीज़ घट रहा है तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी घट रहा है तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट है वो लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा इनवर्स शिफ्ट कर जाएगा ऑन द अदर हैंड अगर मेरा ये कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट्स ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं राइट मस्त बढ़ रही है बहुत अच्छा लग रहा है और आपके तो आपका क्या होगा जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा मतलब क्या कि वो इट शोज़ मोर ऑफ द थिंग्स एंड दिस शोज लेस ऑफ द थिंग्स राइट एंड आई होप द वीडियो वॉज क्लियर टू यू एंड इफ यू डू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स आई ट्राई टू क्लियर इट आउट And thank you for watching and being patient. Have a nice day. Happy learning. Thank you.